हांची के स्थानीय हिसार चुंगी नाके पर आज पुलिस के जवान पर एक महिला व दो युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के एएसआई अजीत कुमार को थोड़ी चोट भी आई, जिसका उन्होंने हांची के नागरिक अस्पताल में इलाज करवाया और मामले की शहर थाना में शिकायत भी दर्ज करवाई। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर विजय कुमार मौके पर पहुंचे, साथ में महिला पुलिस भी मौके पर आई और दंगा कर रहे महिला व दोनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वो ऐसा हुआ था कि जिस तरह से हर चौराहे पे जो भी वायलेशन हो रहा है वहाँ पे चलान काटे जा रहे हैं, तो उस लड़के ने, दो लड़के थे, उन्होंने एक ने शराब पी रखी थी और विदाउट हेलमेट थे, मास्क भी नहीं था, तो मेरे पुलिस ऑफिसर ने उनका चलान किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़के एक महिला के साथ वापस आए हैं और उस महिला ने मेरे जो पुलिस ऑफिसर था उसके साथ हाथापाई भी की, जिससे उसके हाथों पर निशान भी है। तो उन्होंने जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी तो हम मौके पे पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने पूछा है, पूछताछ करी है, लेडी पीसीआर भी थी, तो लेडी पीसीआर के इंचार्ज ने कहा है कि जिस लेडी ने आके बदतमीजी करी है, और फिर उसके बाद हमने अपने ऑफिसर को कह के एमएलआर कटवा के और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जानकारी के अनुसार बता दें कि हिसार चुंगी नाके पर ट्रैफिक पुलिस के एएसआई अजीत ने उक्त आरोपियों का चालान किया था, जिसके बाद ये युवक एक महिला को अपने साथ लेकर आए और अजीत के साथ तीनों ने हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर खड़े बाकी जवानों ने बीच बचाव करवाने की कोशिश की तो उक्त आरोपियों ने उनके साथ भी मारपिटाई की, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर विजय कुमार को दी गई। तत्पश्चात विजय कुमार मौके पर पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना ले गए। हांसी से एएनटी नेशनल ब्यूरो रिपोर्ट।